ईश्वर हमारे साथ है। जय श्री राम। आइए जानिए वृष राशि का हाल। वृष राशि के लोग बड़े ही उत्साहित रहते हैं, अधिक खर्च करना इनके स्वभाव में होता है, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा रहना। पर इस समय जून मास के अंदर इस वर्ष का जो राजा है वो भी शुक्र देवता है। शुक्र देवता जून मास के अंदर राशि से द्वितीय भाव में आकर के विराजमान है मिथुन के। मिथुन राशि में जाकर सूर्य और शुक्र की इकट्ठी युक्ति हो रही है। सूर्य और शुक्र की जब इकट्ठी युक्ति होती है तो कहीं ना कहीं धन तो आता है लेकिन साथ में ईगो बढ़ती है। उसके साथ ही ध्यान रखना, कई भाई बंधुओं के अंदर मन मुटाव हो सकता है, कुछ बंटवारे की बातें हो सकती है, कुछ लेन देन का विवाद बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात बताते हैं कि धन संपदा तो सब कुछ यही रह जाती है। कहते हैं कि भाई चाहे कितना वैरी हो, नजरों से गिराना ना चाहिए और उससे कोई बात छुपानी ना चाहिए। अगर कोई ऐसा मन के अंदर या आपके परिवार के अंदर कोई ऐसी समस्या आकर के खड़ी हुई है तो उसको बैठकर आराम से सोचिए, उसमें कल्याण भी होगा, सम्मान भी होगा और परिवारों के अंदर प्यार भी बना रहेगा। सूर्य और शुक्र की युक्ति द्वितीय भाव में है। अमोद प्रमोद व्यर्थ की भागदौड़ कुछ हो सकती है, उसके लिए कुछ बच के रहे, क्रोध से बचे। कुछ यात्राएं हो सकती है जिसमें भागदौड़ रहेगी लेकिन उन यात्राओं का कोई भी लाभ होने वाला आपको नहीं है, इसलिए व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। वृष राशि का भाग्य प्रतिशत रहेगा 80%। अगर आपके मन में कोई संशय, कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या इन नंबरों से आप हमें सूचित कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ हमें लिख भेजिए। हमें खुशी होगी कि हम अगर आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। सदा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है।